पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को समर्पित होते हैं। इस दौरान श्राद्ध कर्म, दान, गरीबों को खाना खिलाने से पितरों की आत्माएं प्रसन्न होती हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से शुरू होकर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की स्थापना तिथि को खत्म होता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष यानी श्राद्ध का विशेष महत्व है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक याद करके उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस दौरान न केवल पितरों की मुक्ति के लिए उनका श्राद्ध किया जाता है बल्कि उनके प्रति सम्मान भी व्यक्त किया जाता है। आइए हम आपको बताते हैं पितृपक्ष की प्रमुख तिथियां क्या है और उसका महत्व क्या है। सबसे पहले जान लीजिए कि पितृपक्ष इस बार शुरू कब से हो रहे हैं। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर 2023 यानी शुक्रवार से शुरू हो रहा है। इस दिन पूर्णिमा श्राद्ध और प्रतिपदा श्राद्ध है। पितृपक्ष का समापन होगा 14 अक्टूबर शनिवार को। पंचांग के अनुसार भाद्रपक्ष पूर्णिमा 29 सितंबर को दोपहर 3:26 तक है और उसके बाद अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा शुरू हो जाएगी जो कि 30 सितंबर को दोपहर 12:21 तक रहेगी। चलिए अब आपको बताते हैं पितृपक्ष में तिथि का इतना महत्व क्यों है। जब पितृपक्ष प्रारंभ होता है तो प्रत्येक दिन की एक तिथि होती है। तिथि के अनुसार ही श्राद्ध करने का नियम है। उदाहरण के लिए इस साल द्वितीय श्राद्ध 30 सितंबर को है यानी पितृपक्ष में श्राद्ध की द्वितीय तिथि है। जिन लोगों के पूर्वजों की मृत्यु किसी भी महीने की द्वितीय तिथि को होती है वो पितृपक्ष के दूसरे दिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। इसी प्रकार पूर्वज की मृत्यु भी माह और पक्ष की नवमी तिथि को होगी। वो पितृपक्ष की नवमी श्राद्ध के लिए तर्पण, पिंडदान इन सब की कामना करते हैं। अब हम आपको बताते हैं पितृपक्ष 2023 की श्राद्ध के लिए प्रमुख तिथियां क्या हैं। पूर्णिमा श्राद्ध है 29 सितंबर 2023 को, प्रतिपदा श्राद्ध होगा 29 सितंबर को, द्वितीय श्राद्ध तिथि है 30 सितंबर को, तृतीय तिथि का श्राद्ध है 1 अक्टूबर को, चतुर्थी तिथि का श्राद्ध होगा 2 अक्टूबर को, पंचमी तिथि का श्राद्ध होगा 3 अक्टूबर को, षष्ठी तिथि का श्राद्ध होगा 4 अक्टूबर को, सप्तमी तिथि का श्राद्ध होगा 5 अक्टूबर को, अष्टमी तिथि का श्राद्ध होगा 6 अक्टूबर को, नवमी तिथि का श्राद्ध होगा 7 अक्टूबर को, दशमी तिथि का श्राद्ध होगा 8 अक्टूबर को, एकादशी तिथि का श्राद्ध होगा 9 अक्टूबर को, माघ तिथि का श्राद्ध होगा 10 अक्टूबर को, द्वादशी तिथि का श्राद्ध होगा 11 अक्टूबर को, त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध होगा 12 अक्टूबर को, चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध है 13 अक्टूबर को और सर्व पितृ मोक्ष श्राद्ध तिथि है 14 अक्टूबर।